अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त शौकीन आपको अंदाज़ा हो रहा होगा जानवर देख के। बहुत बड़े स्ट्रक्चर की बकरियां, ये बिल्ली हबीब इलाका है जी हमारे जंग में। तो हमारे एक दोस्त हैं ये सलीम महार साहब, ये उनके जानवर हैं। मेरी ये कोशिश तो नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि अपने जो इलाका है वहाँ का शौक जो है वो आप दिखाएं। मेरा काम टॉपिक तो और ही होता है, कुछ जहाँ से किसी को कुछ ना कुछ मिल जाए लेकिन रेवड़ भी लोग शौक से देखते हैं और देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको रेवड़ जानवरों की थोड़ी बहुत डिटेल वो आपको लेके देता हूँ जी। माशाल्लाह देखें जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आएँ और हमें जो है वो अपने जानवर दिखाएँ। अच्छा, ये जनाब पहला जानवर है, ये कितना छोटा पहला दूसरा क्लच में जी। माशाल्लाह लेंथ इतनी है माशाल्लाह, गब्बन है। अच्छा, अभी जनाब एक डिटेल लेते हैं, ये गब्बन कितनों में? तीसरे मंथ की ये कनाडा जनाब ये जनाब काला परी माशाल्लाह, बेहतरीन स्ट्रक्चर। ये घुमा, ये अडर क्वालिटी देखें आप, थोड़ी के चलाए। ये भी प्रेग्नेंट है, ये एक ही दफ़ा इसने बच्चे दिए, दूसरी दफ़ा जनाब ये प्रेग्नेंट है और माशाल्लाह लग रही है बहुत बड़ी जानवर है। ये देखें ज़बरदस्त है, दांत है ये जी, छः दांत में है अभी तक। ये छः दांत इसने किए हैं, वैसे लग बड़ी रही थी, ये आपको दिखा भी देता हूँ। ये क्या बात है, ज़बरदस्त आठवीं कली इसने निकाल ली है, लेकिन अभी बकरी जो है माशाल्लाह, ये क्या बात है जी माशाल्लाह। ये अगला जनाब फिर काला पर, इस बकरी की हाइट होगी 40 के करीब, 40 से भी मेरे ख्याल में 41 के करीब होगी। ज़बरदस्त जानवर जनाब, ये भी बूढ़ी बकरी इनमें से कोई भी नहीं है। और ये वो चीज़ जना, ये ब्रीक लोई की है तो आपको नज़र आ रही होगी, ये नाड़े हैं। ये क्वालिटी होती है जी उन जानवरों की जो ज़्यादा दूध देते हैं अमूमन, ये जो निचली नाड़े हैं। ये अभी इसकी बहुत वाजे है माशाल्लाह, बाकी जानवरों की भी हैं लेकिन इसकी ये जल्द जो है, ये ब्रीक लोई जिसको बोलते हैं, अच्छे स्ट्रक्चर में, इतने बड़े पोस्चर में बकरी। और यहाँ से भी ये देखें, बाहर से ये नाड़ें जो हैं इसकी नज़र आ रही हैं। ज़बरदस्त जानवर जनाब, ये अगली चीज़ देख लें। ये अभी 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर की जो क्वालिटी है, अभी लोग इस तरह के चड्डे छड्डे दिखा के 8-8 लीटर बताते हैं, लेकिन जितना वो दे रही है दोस्त मेरा सलीम मार बोली, ज़बरदस्त क्या बात है। अच्छा, बहुत से लोग पूछेंगे जी कि ये जानवर सेल करते हैं या नहीं करते, तो अभी इनका अपना शौक है, तो जब इनका इरादा हुआ बेचने का तब इंशाल्लाह ये जानवर सेल के लिए भी अवेलेबल होंगे, लेकिन अभी तक इनका अपना शौक है, इसी तरह ही है जी। चलो अगली जाना, ये जरा पट है अभी, और अभी क्रॉस नहीं हुई, क्रॉस हुई है और दूध भी दे रही है, और इसके नीचे दूध भी है। ये फर्स्ट टाइमर है? दूध नहीं है ये, पहला सुबह सूर्य। अच्छा, अभी सुबह सूर्य है पहला। ये लापर देखें जी, ये क्वालिटेड एनिमल, ये जो क्वालिटी होती है, ये लापर देखें जी माशाल्लाह, बहुत बड़े लापर। और ये टोटल कहीं बाहर से बकरा नहीं आया, कोई इन्होंने परचेजिंग नहीं की, अपने ही बकरे इस्तेमाल करते हैं अपने ही बकरियों पे जी। और छोड़ दे पॉट, क्या बात है, खूबसूरत शौक। थोड़े से जानवर हैं लेकिन इंतहाई सिलेक्टिव। सारे ये जनाब बूढ़ी बकरी है, ये मैक्सिमम जो यहाँ पे घूम रही हैं वो इनके बच्चे हैं, इस बकरी के बच्चे हैं। और ये नाड़े हैं, फिर वही बात, ये आपको नज़र आ रही होंगी,
ये, और वजह ये हुआना है। क्या बात है, ये जनाब प्रिंट आप देख लें। इस प्रिंट को अमूमन पसंद नहीं किया जाता बीतल में, काला चीना समझा जाता है कि ये कुछ ज़्यादा दूध नहीं देती, लेकिन इन्होंने रखी हुई है क्योंकि ये दूध देती है। और इनका सारा टारगेट डेयरी है क्योंकि ये चराई वाला सिस्टम है इनका, और ये अफोर्ड ही तब करते हैं जब जानवर दूध दें। वैसे तो ये फ्री करते हैं, लेकिन एक मेहनत है, दो बंदे लगे हुए हैं, 25-30 जानवर हैं और उस पर दो बंदे जनाब जो हैं वो लगे हुए हैं। छोड़ो जी, ये क्या बात है, ये अगली बकरी जनाब, माशाल्लाह, ये नागरी, और ये इसका थान एक थोड़ा सा डैमेज हुआ वो, लेकिन आर्डर क्वालिटी आप देख लें। इस तरह के जानवर लोग दिखा दिखा के क्या क्या बातें कर देते हैं, और ये यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, ये शौक है जनाब। ये हमारा अपना झांगा है, बिल्ली हबीब का इलाका है, गांव है छोटा सा, सरगोदे रोड पे ही है, और बच्चा ब्रीडर रखा है एक कड्डो जनाब। ये जनाब आप देख लें, जानवरों के बॉडी स्कोर माशाल्लाह अच्छे हैं। वो बूढ़ी बकरी का थोड़ा सा डैमेज था, लेकिन बाकी जहाँ ये किस बकरी का, ये जो भी जिसका थन खराब, ठीक है। तो ये छोटी बकरी का क्यों रख लिया है, दूध ज़्यादा इसका? हाँ, ये छोटे कद की बकरी है, उसका ब्रीडर इन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है, और वजह क्या है कि उसके नीचे दूध जो है वो ज़्यादा है। ये भी खीरा है अभी, तो 7-6 माह का है जनाब। हाइट वगैरह इसकी कोई 32 के करीब होगी अभी से, और ये साइज़ ये मस्ती कर रहा है क्योंकि खुराक अच्छी है इसको। ये देखें नड़, ये जो क्वालिटी है अभी से नज़र आ रही है, ये नड़ मजबूत, ये गोल देखें, साथ छोटी छोटी थनियाँ, मोटे गोल, ये जनाब नड़ वगैरह। हाँ, ये यहाँ से कोई आला क्वालिटी, ये देखें वो तो नहीं है, सर भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह के जानवर, इनकी अपनी सिलेक्शन है जनाब। लेकिन ये बच्चा इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ जनाब, माशाल्लाह। छोड़ो जी, ये माशाल्लाह अगली नागरी बकरी जनाब, ये थनों की क्वालिटी देखें, ये देखें ना, ये आर्डर होता है असल में, ये मजबूत अटैच आर्डर, और सारा ये देखें नरम कली की तरह, ये ज़बरदस्त, ये पूरा दूध है। सुबह सारी बकरियां ये साफ करके लाते हैं, और अभी 12-1 बजे, और क्या बात है, ये इतना ये दूध जो है ये खुद ही बता रही हैं कि इतना दूध देती है। ये नागरी बकरी माशाल्लाह, हाइट वगैरह भी इसकी अच्छी, इसकी दुम वगैरह जो है बड़ी ही ज़बरदस्त और लंबी। छोड़ो जी, माशाल्लाह, ये सारी बकरियां माशाल्लाह जो है ना, स्ट्रक्चर वाइज जो है ना, जो इनकी क्वालिटी अभी नज़र आई है वो ये है कि स्ट्रक्चर वाइज बकरियां बहुत बड़ी बकरियां। ये जनाब काला डब्बा माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये जो कुछ होता है जनाब जानवरों से, माशाल्लाह ज़बरदस्त क्वालिटी, ज़बरदस्त आर्डर।